पटी साहब सुबह सुबह इधर क्या कर रहे हैं, कोई कुआं शुआ बना लें? और मैं कतरी शहजादा हूँ जो तेल के कुएं खोदूंगा? घर में तेल घंडिया में डालने के लिए नहीं, और तू कह रहा तेल के कुएं खोद रहा हूँ मैं। तो करना क्या चाह रहे हैं इधर, आप कोई गड़ा बनाना है? वैसे तुमने आइडिया बहुत अच्छा दे दिया, मैं सोच रहा हूँ वाकई यहाँ गड़ा खोद के खास काम जहाँ पाक कर दूं। ओ खास काम जहाँ पाक एक ही होता है? अच्छा चाहला, थोड़ा सा पढ़ लिख जाता तो तुम्हें पता होता खास काम जहाँ पाक होता है ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ओ खैर छोड़े पट्टी साहब, मैं आपसे एक पहेली पूछूं? तेरा मेरा को पहेलियों का मजाक है? ओ प्लीज पट्टी साहब। पहेली क्या है? ओ एक दरख्त पे ना एक बंदर बैठा है, उसके सामने केले रखे, वो केले नहीं खा रहा, क्यों? बंदर के सामने केले पड़े हुए हैं और वो केले नहीं खा रहा, इसका तो साफ मतलब है कि उसका पेट खराब होगा। ओ नहीं, केले प्लास्टिक के। ओ ये बताएं कि बंदर के सामने केले रखे हैं, वो केले नहीं खा रहा, क्यों? केले प्लास्टिक के हैं। ओ नहीं नहीं, बंदर प्लास्टिक का है। अब ये बताएं बंदर के सामने केले रखे, वो केले नहीं खा रहा, क्यों? दोनों प्लास्टिक के हैं। ओ नहीं, इस दफा ना बंदर का दिल नहीं चाह रहा। ओ तू कितना ज़हीन आदमी है। कितनी अच्छी मैंने पहेली पूछी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी चाहता कि तुम्हें कोई इनाम दिया जाए। ओ लाए तनख्वाह दे दे। पर अब बकवास बंद कर, कर दिया ना तुमने एंड क्रेडिट पे, वो ही कमीनगी। ये तनख्वाह कोई भागे जा रहे, दे देंगे। दे दे पट्टी साहब, बहुत सारी हो गई है। दे दो फिर आज, मैं तनख्वाह दे ही दूं। आओ पट्टी साहब, मैं तनख्वाह दूंगा। क्या हुआ बेगम साहब, मैं हूँ डीडी। तुम पीछे क्यों छुपे हुए हो? ओ मैं ना जरा छुप छुप के फिल्म देख रहा था। तो तू आगे आकर नहीं देख सकता था? खामखा हमारी जान निकाल दी तूने। ओ ना जी ना, आगे मैं नहीं बैठता, वो पीछे बैठने से कम से कम ये भरोसा रहता कि पहले आगे वाले डर रहे फिर मैं डर रहा हूँ। तो 2 इंच पीछे खड़े होके कम डर लगेगा क्या? ओ ना जी ना, लेकिन कम से कम ये भरोसा रहता कि पहले आगे वाले डर रहे फिर मैं डर रहा हूँ। पता नहीं तुम लोग इतना डरते क्यों, जब पता है कि ये सब झूठ है तो फिर डरना कैसा? ओ डरता वरता मैं नहीं हूँ, असल में आप लोगों ने जरा शोर मचाया ना तो मैं भी जरा घबरा सा गया। ओहो बस कर डीडी बस कर, एक छिपकली तो भगा नहीं सकता, बातें कर रहा है बड़ी बड़ी। ओ जी रहन दे, ओ मैंने कल ही तो कॉकरोच मारे किचन में बगैर चमचे के। क्या तुम कॉकरोच को चमचे से मारते हो? हाँ बीबी जी, जिस चम्मच से ये कॉकरोच को मारता है ना उसी चम्मच से खाना भी बनाता है। ओ नहीं जारा बीबी, ये झूठ बोल रही, मैं ऐसा नहीं करता। तो रुक, मैं भाईजान को बताऊंगी। कल तो डीडी तू फिटेगा ये। और रुक जरा, तुझे मैं बताता हूँ भी। क्या हुआ बेगम साहब? किचन में कोई है? ओ जी वहाँ सिर्फ एक आईना है। बकवास मत करो, मैंने किसी का साया देखा है। ओ जी वो पट्टी साहब होंगे, उनको नींद में चलने की आदत है। ओ क्या हो गया, क्या हुआ, क्या बात है, शोर क्यों मचा रही हो? तू शोर मचा रही हो, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है। तब तेरी की, मैं समझे तुझे कुछ हो गया, इतनी आसानी से तू हमारी जान नहीं छोड़ेगी। चलो अब ये जो लड़ाई है ना ये कल लड़ लेना दोनों,
पहले ये बताओ कि तुम चीखी क्यों थी? और जारा बीबी ने किचन में एक भूत देखा है। हमारे घर में भूत कहाँ से आएगा? इस घर में अगर चुड़ैल आ सकती है तो भूत भी आ सकता है। जारा तुझे चुड़ैल कहा है इन्होंने? क्या, मैंने तो नहीं सुना, आपने सुन लिया? हाँ बिल्कुल सुना। तो फिर ये आप ही के लिए था? ओए बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो दोनों। मैं जाके किचन में देखता हूँ कि कौन है। ओ पटी साहब, आपने जरा जाके किचन में देखें, अगर कोई हुआ ना तो सीटी बजा दीजिएगा, ठीक है? चल बड़ा सीटी मारने वाला आया, आगे लागो मेरे साथ चल, और तुम लोग भी अपने अपने कमरों में जाओ। आ मेरे नाल आ, जल्दी आ। ओए चल रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसी क्या बात है? आ मेरे साथ आ तू, मेरे मेरे साथ आ तू, को ऐसी क्या बात है? हाँ देख लेते हैं। पटी साहब यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं कहता हूँ बाहर ही चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। और डरपोक कहीं का, और मुझे देख, मैं को डर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है पटी साहब? बारिश हुई है ना कराची में कई सालों के बाद, तो ठंड की वजह से कपकप आ रहा हूँ। अच्छा ठहर जा, मैं देखता हूँ। क्या हुआ पटी साहब, बगैर शक्ल का इंसान देख लिया? और नहीं, मैंने पैड़ी शक्ल वाला इंसान देख लिया। छोड़ पटी साहब, चलते हैं बाहर ही चलते हैं। मैं तो बाहर ही चल, आ जा। ये क्या था? ओ छोड़े ना पटी साहब, कोई बिल्ली होगी, हम चलते हैं। नहीं नहीं, मैं आज इस भूत को देख के जाऊंगा। ओ पर आपने भूत को देखना क्यों है? इसलिए कि मेरे माँ बाप ने बचपन में डरा डरा के जो मेरे बचपन को तारीख किया था ना, मैं देखूंगा कि वो देखने में कैसा लगता है। ओ तो आप देखना चाहते कि भूत सचमुच डरावना है कि नहीं? हाँ। और यह ठीक है, आए आओ। ए, पटी साहब, वो ये सेब जमीन पर क्या कर रहा है? ओए पागला, पर सेब तो न्यूटन के जमाने से ही जमीन पे है, इसे कशिशे शकल कहते हैं। और जी किसकी शकल? और फिर है तेरा, इसे ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। आ पटी साहब वाह, ए पटी साहब वो क्या? पटी साहब ख्याल की बात नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया ना तो मेरी भी तनख्वाह मर जाएगी। फिड़े मुत तेरा। और जहाँ तक परवाह की बात है, वो मैं तो मैं बेगम साहबा भी नहीं करती। क्यों बेगम साहबा? चुप कर पगले, रुलाएगा क्या? और वैसे भी रोती हुई ये बहुत बुरी लगती है, वे मेरे मुंह पे खड़े होके मेरी ही मौत की बातें, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ओफो शर्म आए ना आए, पर ये जो भूत आ गया इसका क्या करे? तू ऐसा कर, उधर ब्याह करके ना कोकाफ चली जा, असी भी खुश हो जाएंगे, ते तेरा भी कम तमाम हो जाएगा। आप लोगों से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये क्या करेगी जी? शादी की बात को ज्यादा ही सीरियस ले गई है। मेरा ख्याल है भूत को अपनी खैर मनानी चाहिए। ओफो बाजी जी, आपने आधी रात को क्यों जगा दिया है? जब सारा घर जाग रहा है तो तू क्यों सोएगी? हुआ क्या है? हमारे घर भूत आ गया है। हे, घर में भूत आ गया? खुश तो तुम ऐसे हो रही हो जैसे भूत नहीं तुम्हारी बारात आई हो। हमारे ऐसे नसीब कहाँ? हमारे एक्सक्यूज मी, तुम्हारे ऐसे नसीब कहाँ? अच्छा हाँ वही वही। अच्छा बाजी, कंप्यूटर पे आप भूत भगाने का तरीका ढूंढ रही है? हाँ जी। अच्छा कंप्यूटर पे भूत भगाने का तरीका भी बताते हैं? कंप्यूटर पे हर चीज का सॉल्यूशन मौजूद है। हे, तो इसमें तो नौकर से मालिक बनने का भी तरीका होगा। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। चुप करके खड़ी हो जा। यस, मिल गया। रेशमा तुम एक ग्लास दूध और कोयला लेकर आओ। दूध और कोयला क्यों? जितना कह रही हूँ ना उतना कर जा। पहले हालात खराब है, ऊपर से तुम लोग आग डरा रही हो। मिल गया मुझे, मिल गया।
अरे भाई कब मिला, कहाँ मिला, वो करता क्या है? ओफो, मुझे भूत भगाने का टोटका मिल गया। आप क्या समझे मुझे कौन मिल गया? मुझे भी यही लगा कि तुम्हें टोटका ही मिल गया है। वैसे ये टोटका है क्या? देखें, ये दूध और ये कोयले हम टेबल पे रख देंगे, ठीक है ना? अगर तो भूत होगा तो वो ये खा लेगा, और अगर उसने नहीं खाया तो इसका मतलब सब कुछ सेट है। बाजी जी, हमें भूत भगाना है। आप तो जो टोटका बता रही है ना, वो भूत लाएगा सामने। लो भी, मेरा भी सेम यही क्वेश्चन। ओफो, पहले पता तो चले कि जो है वो चिन्ह है, चुड़ैल है या कोई और चीज है। पहले कंफर्म हो जाए, उसके बाद फिर आगे का प्लान करेंगे ना। भाई ये तो सब कुछ ठीक है, पर उस भूत के आगे ये सब कुछ रखेगा कौन? आप और रेशमा। बाजी मैं क्यों? भाई क्या पता वो कोई अच्छा जिन हो तो तुम्हारी शादी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। हाँ भाई हाँ, अपनी प्यारी रेशमा, मेरा मतलब है रेशमा, जाओ ये दूध कोला किचन में रख के आओ। मैं अकेली कैसे जाऊंगी? साहब जी आप भी चले ना मेरे साथ। भाई कह तो बिल्कुल ठीक रही है बच्ची, अपने माँ बाप की। जाओ भाई जाओ, किचन में रखो। बल्कि ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो आगे आगे लगाओ। वैसे साहब जी, ये जो हम टोटका आजमा रहे हैं, इससे भूत वाकई में भाग जाएगा ना? प्यारी रेशमा, भूत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आज पता चला कि मैं कितना डरपोक हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप साहब जी? हाय साहब जी, दूध पी गए भूत, उसने कोयला क्यों नहीं खाया? कोयला इसलिए नहीं खाया, हो सकता है उसके कोई मैदे का प्रॉब्लम हो और वो फ्राइड चीजें पसंद ना करता हो। साहब जी ये क्या कह रहे हो? साहब जी मुझे डर लग रहा है। थोड़ा सा और डरो। आ जाओ भागो, साहब जी भागो भागो। कोयला, यार कैसे बेकार लोग हैं, अंडे रखे हुए और खाली पानी। ये इतना भी नहीं जानते कि घर में चोर आया है, भूख लगी होगी, बेटा खुद ही खाना ढूंढ ले। पड़सा, मैं आपको कह रही हूँ ये कार छोड़ दें आप। कैसे छोड़ दूँ? नहीं छोड़ेंगे ना तो भूत हमें नहीं छोड़ेगा। अब तो कंफर्म भी हो गया कि इस घर में भूत है। ये मेरे दादा की निशानी है, मैं नहीं इसे छोड़ सकता। अगर हमने ये घर नहीं ना छोड़ा तो हम खुद एक निशानी बन जाएंगे। तुम टेंशन ना लो, हमारी जारा ने ना इंटरनेट से भूत भगाने के तरीके निकाल लिए हैं। ओ बस भी करो पट्टी साहब, भूत आए उसके पीछे। मैंने उसको कितनी बार मना किया कि चाटा खोल के छत पे ना जाया कर, मगर मेरी सुनती नहीं। आ गया ना भूत साढ़े कार। भाई मेरी बहन इतनी टैलेंटेड है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसने तो जिन्नों को भी नचा दिया। वाह भाई वाह। ओ वाह वाह की कर रहे हो, जाके जल्दी से ना भूत को भगाओ, वरना मॉर्निंग शो पे जाके मैं कह दूंगी मेरा मियां जो है ना वो मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनता। ना ना वहां जाके ये ना कहना, वरना बड़ी बदनामी होगी मेरी। मैं कुछ करता हूँ। लाए बेगम साहब, आपसे नहीं होगा, मैं चलाता हूँ। चुप करो, तो मुझे करने दो। बेगम साहब मुझे लगता है भूत को ना पता लग गया, हम उसको भगाने लगे और हम उसे भगा के रहेंगे। ठीक है बेगम साहब, तैयार हो जा रेशमा। ये क्या कर रहे हो, लग रहा है बिल्ली आ गई है। ओ ये मैं मंत्र पढ़ने की मशीन स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी है। ये आवाज कैसी आ रही? आवाज तो मुझे भी आ रही है, लगता कोई रो रहा है। नहीं नहीं ठहरो,
मेरा ख्याल है कोई कुछ पढ़ रहा है। चलो आओ चल के देखते हैं। अरे चुप कर डीडी, आप लोग ही बैठे ना। तुम लोग यहाँ लूडो खेल रहे हो। बेगम साहब नहीं नहीं, वो जारा बीबी ना भूत को भगाने का तरीका कर रही हैं। ओ भूत भाई मुझे मत लेके जाओ, मुझे छोड़ दो भूत भाई। ओए भूतनी के, भूत ने भी तुम्हें पकड़ा नहीं तो माफ कैसे कर दे और छोड़ कैसे दे तुम्हें। ऐसे कैसे जाने दूं, कम से कम एक आदमी की जान लेना जरूरी है। बताओ किसको खाऊं? भूत भाई आप वो बेगम साहब को खा लेना। क्या बकवास कर रही हो तुम? सही तो कह रही है प्यारी रेशमा, देखो तुम्हें जब जिन खाने लगेगा ना तो उसे खाते हुए बहुत टाइम लगेगा, इतनी देर में हम अपनी जान बचा के भाग जाएं। ओ नहीं नहीं, ओ बेगम साहब को नहीं, आप मुझे खा लो, मैं अपनी आंखों के सामने बेगम साहब को खाते हुए नहीं देख सकता। अब नहीं 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 भूत भाई, तुम पहले मुझे खाओ ताकि तारीख रकम हो कि एक नंद ने अपनी भाभी के लिए भी जान की कुर्बानी दे दी। तुम इन सबको छोड़ो और मुझे खा जाओ, मुझे खा लो, मुझे खा लो। ये ठीक है, आप इनको खा लो। हाँ इनको खा लो, इनको खा लो। हाँ हाँ भाई को खा लो, कोई बात नहीं, इनको खा ले खा ले। नहीं नहीं ये बेईमानी है, देखो जब मेरी बारी आई तो कोई भी इमोशनल नहीं हो रहा। और इनको तो छोड़ो, YouTube ब्रूटस बंद करो अपनी किचकिच, सब अपने अपने मोबाइल और जेवरात यहाँ निकालो। लगता है रेंजर्स को कोकाफ में भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। बंद कर अपना मुंह, अगर इस वाक्य के बारे में किसी को भी बताया तो मैं कोकाफ से भी वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ भूत भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। ये रेशमा की बड़ी अच्छी आदत है। हैं मोबाइल, भूत के पास मोबाइल है। पटी साहब ले भाई डीडी, भूत के रूप में वारदातिया यलगार हो। डीडी।